आपके चैनल से ये बता देना चाहूँगा कि ये अभी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ये सरकार जान ले कि कहीं ना कहीं हम लोगों के गलियारे से ही आपको जो है वोट मिलने वाले हैं। और हमारे साथ एक एक ब्लॉक में 7 से 8 हज़ार महिलाएं हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो बता देंगे आपको लोकसभा के चुनाव। अगर अब की बार हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो जो NRLM के कर्मचारी प्रधान से प्रधानमंत्री बनाते हैं, चाहे वोट से, चाहे सपोर्ट से, चाहे जनसंख्या दिखा करके, हर प्रकार से, तो 2024 में सरकार को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, वोट पड़ता है उस दौरान भी आप लोगों की कुछ भूमिका होती है क्या? 5 लाख की मोदी जी की जो भीड़ रहती है वो पर्दे के पीछे हम ही लोग हैं। अच्छा, हम ही लोग उस भीड़ को ढोते हैं। उनको ये सब प्लान होता है क्या? प्लान तो नहीं होता। छोड़िए, आपकी नौकरी है, पूछूंगी नहीं। पैसा ऐसा देते हैं कि नहीं देते हैं? मैम, उसके लिए कोई पैसा ऐसा नहीं मिलता। देखिए, राज्य ग्रामीण कल्याण के लोग हैं जो यहाँ पर 28 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी बात सरकार नहीं सुन रही है। मैं फिर बोल रही हूँ कि सरकार कान में तेल डाल करके सुन ले कि इन लोगों की नाराजगी सरकार को 2024 में बड़ी भारी पड़ सकती है। नमस्कार, देश को मंदिर मिल रहा है। अगर आप टीवी पर उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे देश में खुशियां सराबोर है, हर तरफ सरकार न्योते बांट रही है। लेकिन मैं लखनऊ की ओपन जेल में हूँ और बेचारों के बीच में बैठी हुई हूँ। ये वो बेचारे हैं जो सरकार से अपनी मांग पहुँचाने के लिए 28 दिन तक धरने पर बैठे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन फिर भी कान में रुई ठूस करके वो न जाने कौन लोग बैठे हैं, वो अधिकारी हैं या सरकार है, ये मैं आज इन्हीं से पूछूंगी। आपका नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम शाहिद है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि आप पब्लिक रिपोर्टर हैं, हम लोगों की आवाज़ उठाती हैं। तो पूरे 75 जिलों के जो भी साथी हैं सबको शुभकामनाएं कि आप स्वस्थ रहें, हमेशा हम लोगों की आवाज़ उठाती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात का जवाब दीजिएगा, देश को मंदिर मिल रहा है, हर तरफ खुशियां सराबोर है, मीडिया में अगर आप उठाकर देख लें तो कहीं आप कुछ दुख नहीं है, कहीं कोई चोरी डकैती, कोई दुख, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक है कि मंदिर मिल रहा है, खुशियां सराबोर है। लेकिन मैंने इको गार्डन में आकर देखा है जहां पर मैं सिर्फ लाचारों को, लावारिसों को देख रही हूं जिनको ऐसे फेंक दिया गया है, उनकी मांग कोई नहीं सुन रहा है। आपकी मांग सरकार से क्या है पहले वो बताइए। हमारी मांग ये है कि हम लोग जो है वो व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में, 75 जनपदों में ग्रामीण विकास का हम लोग काम करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक स्थिति को उनकी मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों के आपका मेन काम होता है सशक्त करना ग्रामीण लोगों को और महिलाओं को सशक्त करना। जी जी, महिलाओं को सशक्त करके उनको आर्थिक स्थिति से मजबूत भी बनाते हैं हम लोग, उनको प्रशिक्षण भी देते हैं कि उन्हें कैसे कैसे छोटे छोटे रोजगार करके अपनी आजीविका बनानी है। और आज हम लोगों की खुद की आजीविका जो संकट में है, ये स्थिति है कि इन 10 सालों में 2013 में हम लोगों का पहला बैच आया था, जब से 1 रुपये जो है इंक्रीमेंट के नाम पे हम लोगों का नहीं बढ़ाया गया है। हमारी HR पॉलिसी में हम लोग अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना हम उनसे ये कह रहे हैं मैं परमानेंट कर दूं, हम लोग सिर्फ अपने हम लोगों के जो हक अधिकार हैं हम सिर्फ वो मांग रहे हैं। 1 भी रुपये इंक्रीमेंट का नहीं बढ़ाया गया है। सैलरी है आपकी? हम लोगों की बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है, जिसमें से TDS कट के 22,500 हम लोगों को मिलता है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जो है मास्टर डिग्री सबके पास है, सब MSW है, कोई जो है MCOM किए हुए हैं, BTEC किए हुए हैं, सब हाई फाइव जो है क्वालिफाइड। मजदूर की दिहाड़ी भी कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद बढ़ती रहती है। 1 रुपया नहीं बढ़ाया। अगर कोई हम लोग किसी किराने की दुकान पर भी काम करते होते तो आज हम लोग उस 10 सालों में हम लोगों का कुछ ना कुछ मालिक जरूर बढ़ाता। पता नहीं ये मिशन मुख्यालय में लोग अधिकारी हैं या सरकार है, सरकार को भी जागना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें वहाँ तक पहुँच रही हैं, पहले भी आपके चैनल ने आपने सरकार तक बात पहुँचाने का प्रयास किया कि नहीं किया पहले तो मुझे ये बताएं। हम लोगों ने सरकार तक बात पहुँचाने का पिछली साल हम लोगों का आंदोलन चला था, वहाँ पर जितने भी 75 जिलों में जो विधायक सांसद उन लोगों को हम लोगों ने कार्य बहिष्कार का लेटर दिया था, अपनी HR पॉलिसी को लागू कराने के लिए कवायद लगाई थी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ अभी तक। क्या नाम है आपका? हरे बाबू। हरे बाबू, कहाँ से हैं आप? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से, रहने वाले पन्ना से, MP से। ये बताइए कि आप जो है सब वोट तो किसको देते हैं? वोट तो फिलहाल BJP को ही देते हैं। BJP को ही देते हैं और हम, अरे सुनिए पूरी बात तो भैया, मंदिर वंदिर जब बन रहा था तो खुशी थी ना, तो मंदिर के नाम पर वोट दिए ना। जी जी जी। अभी भी तो मंदिर बन रहा है, तो उद्घाटन होने वाला है, तो आप लोग सब यहाँ धरने पर क्यों बैठे हो? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ। आप लोगों को तो जा करके वहाँ मंदिर में उद्घाटन में होना चाहिए था। देश को मंदिर मिल रहा है ये काफी नहीं है क्या?
अब मंदिर का ही क्या किया जाएगा जब हमारी रोजी रोटी खतरे में है। आज 10 साल से हम लोग जिस आज से 10 साल पहले जो पॉलिसी देख के हम लोग आए थे उसी पे आज हम काम कर रहे हैं। 1 रुपये ना बढ़ा हुआ है। हम लोगों को जो भत्ते मिल भी रहे थे वो भी वापस कर लिए गए हैं, नहीं दिए जा रहे हैं। कोई भत्ता नहीं मिलता है? नहीं, जैसे पहले चाइल्ड अलाउंस मिलता था, लैपटॉप का मिलता था, TADA मिलता था, गाड़ी का पेट्रोल वगैरह मिलता था, आज वो सब 2-3 साल से सब बंद कर दिए गए हैं। जो चीज़ हम लोग देख के इसमें ज्वाइन हुए थे वो सारी चीज़ हमारी बंद, कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, आप लोग जब इस भर्ती में ज्वाइन हुए तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है ना इसका? इंटरव्यू दिए होंगे, परीक्षा दी, कैसे वो पूरा प्रोसेस बताइए। वो पूरा प्रोसेस, पेपर फॉर्म भरा गया, फिर पेपर दिया गया, फिर इंटरव्यू हुआ। इसके बाद जब इंटरव्यू में HR पॉलिसी दिया गया तो बहुत सारे प्रोसेस तो हम लोग दूसरे से पहले कर रहे थे NABARD से, फिर इसमें आए, हमने सोचा इसमें कुछ बेहतर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बेहतर के बजाय और हम लोगों का मतलब रोजी रोटी हम लोगों की कम होती जा रही है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी ज्यादा है जी, महंगाई इतनी ज्यादा कि हम लोगों को परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए नया साल आने वाला है और नए साल में जब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं, उस वक्त पर ये बेचारे यहाँ पर अपना घर परिवार छोड़े न जाने कहाँ कौन कौन जिले से आए होंगे ये लोग। आप लोग ग्रामीण लोगों को सशक्त बना रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, तो आप लोगों में से कई लोगों को जिम्मेदारी दी गई होगी चुनाव के दौरान। 2.5 लाख की या 5 लाख की मोदी जी की जो भीड़ रहती है वो पर्दे के पीछे हम ही लोग हैं, हम ही लोग उस भीड़ को ढोते हैं। अभी इलाहाबाद में आपने भी रिपोर्टिंग की थी, उन महिलाओं को जो हुजूम देखा था लाखों का, वो हम ही लोग थे। सबको 300-300 का टारगेट दिया था, एक एक बस में हम लोग लेके गए थे महिलाओं को। अच्छा, और किसके पास कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है? 4 लाख महिलाओं को एकत्रित करने का जिम्मेदारी हम लोगों को दिया गया। हम लोगों अभी जब 2022 का इलेक्शन था तो हमारी समूह की दीदियाँ वहाँ दिख रही थी और कोई नहीं था। हम वो लोग हैं जो हम अपनी दीदियों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संपन्न कर रहे हैं। अच्छा, रैलियों में भीड़ जो जाती है महिलाओं की, तमाम लोगों की, आप लोग सब अरेंज करके लेकर जाते हो कि आज जिनको सशक्त कर रहे हो उन सब महिलाओं को बोला कि आज पूरा परिवार को बोलना, लेकर चलेंगे बस बस में भर के? बिल्कुल बिल्कुल, उनको हाथ जोड़ता हूँ, पैर छूता हूँ, यदि नहीं आती हैं तो फिर दोबारा जाना पड़ता है। और जो हमारे भत्ते थे, HR पॉलिसी थी, उसके तहत पेट्रोल का पैसा मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया। तो अपनी जेब से ले जाते हो? अपनी जेब से, अभी तक नहीं मिला हुआ है। मेरा नाम पीयूष चौधरी है, मैं बस्ती जिले से हूँ। चौधरी जी, आप लोग सब भीड़ मैनेज करने में इतनी मदद करते हो, सरकार के इतने सहयोगी, तभी ना TV पर आता है कि देखिए जबरदस्त भीड़ है, हुजूम है, पैर रखने की जगह नहीं है, तभी तो निकलता है ना। ये देखिए, योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, हाँ। इनका कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे जिला स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो, इस समय मोदी की गारंटी की गाड़ी एक आ रही है, हाँ। हर गांव में भारत विकसित संकल्प यात्रा के नाम पे, उसमें भी इवन वहाँ गांव में भी भीड़ कोई नहीं इकट्ठा कर पाता है। उसके लिए हम ही लोग को याद किया जाता है कि आप लोग समूह की महिलाओं को लेकर आइए, जो है यहाँ पे भीड़ लगाइए, वहाँ तक भी कोई नहीं जाता। आप ही लोग अपने वेतन के लिए और अपनी लाचारी लेकर सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। मैडम, हमारा काम ही है उनकी आजीविका का संवर्धन करना और हम अपनी ही आजीविका नहीं बढ़ा पा रहे हैं और वो भी कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो लोग कहते नहीं होंगी कि अच्छा हमको लेकर तो जा रहे हो, पहले अपना देखो? मैडम, वो कहती भी है और उसमें भी आप जो महिलाएं हमारी कैडर हैं उनकी भी 2-3 सालों से जो है कोई भी उनका वेतन नहीं मिल रहा है। वो तो हमारे व्यवहार पर और हमारे रिक्वेस्ट करने पे, हाथ पैर जोड़ने पे या फिर बातचीत करने से वो हमारा काम कर देती हैं, रैली में आ जाती हैं, हमारी बातें सुन ले रही हैं, वरना वह भी जो है हमको जो है मतलब इस संगठन के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। हम आपको कहना चाहेंगे कि बहुत ही खराब हालात है हमारे, हम लोगों के, क्योंकि हम लोगों में को जो विज्ञप्ति थी उस विज्ञप्ति में, समझ गए, विज्ञप्ति में जो था उस हिसाब से आपको कुछ नहीं मिला। घर परिवार कैसे चला? घर परिवार अब इसी आस में चल रहा था, क्योंकि अभी पिछले 2 साल से लगातार हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहे हैं अपनी बात को उठाने के लिए। जब हमारी नहीं सुनी गई तो आश्वासन दिया जाता कि अब कर देंगे, लेकिन ऐसे करते करते 10 साल बीत गए। विगत 10 सालों से सिर्फ आश्वासन मिला है और हकीकत में कुछ नहीं मिला। हम आपको बताएंगे कि जैसे BC सखी और अभी लखपति दीदी आप सुन रहे हैं, इन सब के पीछे हम लोगों की मेहनत है। अच्छा, ये हम लोगों से ही कराया जाता है कि आप उनको लखपति दीदी बनाइए और क्रेडिट कोई और ले रहा है, और आज हम अपनी आजीविका के लिए, खुद लखपति बनने के लिए आज जमीन पर बैठे हैं आपके सामने। ये बहुत ही खराब विषम परिस्थिति, इस तरह की तमाम चीजें। ये सरकार को अब अपने इस आदत को, इस रवैये को बदलना चाहिए। जो अपना अधिकार मांगता है वो आपका विरोधी, आपका विपक्षी नहीं होता है, वो आपके ही लोग हैं। ये आपके ही लोग हैं जो आपकी रैलियों में भीड़ लेकर आते हैं, जो महिलाओं को बसों में भर भर करके लाते हैं, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जेब से पैसा लगा करके भीड़ लेकर के आते हैं कि देखिए मोदी जी की रैली में इतना भीड़ हो गया, देखिए योगी जी की रैली में इतना भीड़ हो गया, लेकिन आज इन लोगों को ही लावारिसों की तरह छोड़ दिया है, तो ये ठीक बात नहीं है। अगर अब की बार हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई, हाँ। तो जो NRLM के कर्मचारी प्रधान से प्रधानमंत्री बनाते हैं,
चाहे वोट से, चाहे सपोर्ट से, चाहे जनसंख्या दिखा करके, हर प्रकार से हमारे कर्मचारी ना धूप देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं। इनके मंत्री विधायक सांसद आदेश कर देते हैं, इनके कर्मचारी आदेश कर देते हैं। हम लोग 9-9 बजे 10-10 बजे रात तक काम करते हैं इनके लिए, लेकिन हमारी जो मांगे नहीं पूरी की जा रही है तो 2024 में सरकार को भुगतना पड़ेगा, इसका जवाब पूरा कर्मचारी संघ देगा। और पूरे ये जो महिलाएं एक बार कहने पे आ जाती हैं, हजारों महिलाएं, वो महिलाएं उनकी भी 2-2 साल हो जाते हैं, उनका मानदेय नहीं आता और उनका मानदेय 1,000 रुपया मिलता है। पूरे महीने काम करती है ब्लॉक पे, हम लोग 10 बार बुलाते हैं, उनका मानदेय केवल 1,000 मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता है। उन लोगों की भी मानदेय बढ़ाई जाए तो सभी पर हम लोग पूरे कहती क्या है कि हम आप लोगों की मतलब आपकी मांग सरकार तक तो पहुंची ही ऐसा है कि नहीं नहीं की पहुंची नहीं है। आप लोग 28 दिन से यहाँ धरने पर है, एक एक जानकारी सरकार के पास होती है। ये उत्तर प्रदेश है भैया, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि क्या बता रहे? केवल हम लोग जब जाते हैं अपनी मांग को लेकर के धरने पे आते हैं, एमडी मैडम के द्वारा यही कहा जाए, एमडी सर के द्वारा यही कहा जाता है कि आप लोगों का हो जाए, आप लोग वापस चले आइए। अच्छा। और इसके बाद कह के अगर हम लोग वापस भी चले जाते हैं और साल साल बीत जाता लेकिन कोई काम उस पर नहीं किया जाता। लिखित में कुछ नहीं दे रहे, लिखित में देने के बावजूद भी नहीं होता। अभी भारत सरकार का एक लेटर आया, पत्र आया है भारत सरकार का कि इन लोगों का जो है एचआर पॉलिसी लागू किया जाए, लेकिन इसके बाद भी इतनी मनमानी चल रही है एमडी मैडम की या सरकार में बैठे लोगों की कि वो उसको लागू नहीं कर रहे हैं। केवल मनमानी है, केवल परेशान किया जा रहा है। ये तो शोषण है जी, ये तो प्रताड़ना करना है, ये तो बहुत गलत बात है। आपके चैनल से ये बता देना चाहूंगा कि ये अभी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ये सरकार जान ले कि कहीं ना कहीं हम लोगों के गलियारे से ही आपको जो है वोट मिलने वाले हैं। और हमारे साथ एक एक ब्लॉक में 7 से 8 हज़ार महिलाएं हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो बता देंगे आपको लोकसभा के चुनाव में। दीदी अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी अभी बनारस में कार्यक्रम हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दीदी से कहा जिनका नाम था चंदा देवी कि आप इतना अच्छा बोलती हैं कि आप चुनाव लड़ना चाहेंगी। तो मैं बताना चाहूँगा वो मेहनत हम लोगों की है, हमारे बीएमएम की है, हमारे डीएमएम की है, हमारे सिखाते हैं उनको, बिल्कुल उनको बाकायदा उनको ट्रेनिंग देता हूँ, आजीविका से संबंधित देता हूँ उनको। ये सब प्लांट होता है क्या? प्लान तो नहीं होता। छोड़िए आपकी नौकरी है, पूछूंगी नहीं। अच्छा वोट जब वोट पड़ता है उस दौरान भी आप लोगों की कुछ भूमिका होती है क्या? उस दौरान तो बस यही है, अब गवर्नमेंट के शासनतंत्र में काम कर रहे हैं तो उस बीच जो है जो समूह की दीदियां हैं उनका इकट्ठा करके उस पंडाल के नीचे लाने का काम हम लोग को दिया जाता है ये वोटिंग के दौरान। साथ ही साथ मैडम ये हालात एचआर पॉलिसी जो है पिछले 10 वर्ष से लंबित है, जिसमें मेडिक्लेम इंश्योरेंस आप ये समझ लीजिए जो प्रीमियम 10,122 मिशन कर्मी की भर्ती में पिछले 10 वर्ष का उनका प्रीमियम इन लोग खा गए क्योंकि इन्होंने जो है इंश्योरेंस या मेडिक्लेम लागू नहीं किया। लागू ना करने की वजह सिर्फ यही है कि पिछले 10 वर्ष में समझ लीजिए जो प्रीमियम है इन्होंने एनआरएलएम के जो आला अधिकारी और सरकार इन लोग की मिली भगत सब जानते हैं और इसी वजह से चार पॉलिसी लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो है करोड़ों रुपए का मतलब ये वो है घोटाला, ये बहुत बड़ा घोटाला। आप 10,122 और को 10 साल से अगर वो करेंगे प्रीमियम तो ये करोड़ों अरबों में जाएगा मैडम, उसका मेन वही पैसा का यही कारण है, वही पैसा जो इनका अगर प्रीमियम में बचा लिए हैं ये लोग, वही पैसा जो हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, मैं उनको शहीद बोलूंगा क्योंकि वो ऑन ड्यूटी शहीद हुए हैं, 9-9-10 बजे तक रात में काम करना, हमारे बहराइच के एक साथी थे उनका जो है ब्रेन हेमरेज हो गया, मतलब ऑफिस में ही चेयर पे बैठे बैठे ही ब्रेन हेमरेज हो गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत से रोज़मर्रा में जो है 9-9-10 बजे तक काम करना है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो जो प्रीमियम आपने बचा है वो उनके परिवारों को दे दो, कम से कम उनके बच्चों को दे, उनका भरण पोषण हो जाए। दूसरी बात मैडम मैं ये कहूँगा कोरोना जैसी घातक बीमारी में हमारा कोई भी ऐसा स्टाफ नहीं हो जिसका ड्यूटी टीकाकरण से ले करके ना लगाया गया, टीकाकरण में दवा वितरण में कहीं ना लगाया गया, हम लोग जो है अपनी जान हथेली पर दे करके और जबरदस्ती हम लोग की ड्यूटी लगाई और हमने तन मन धन से पूरी ड्यूटी किया, उसके बाद भी जो हमारे बारे में सरकार जो है बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। देखिए राज्य ग्रामीण कल्याण के लोग हैं जो यहाँ पर 28 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी बात सरकार नहीं सुन रही है। मैं फिर बोल रही हूँ कि सरकार कान में तेल डाल करके सुन ले कि इन लोगों की नाराजगी सरकार को 2024 में बड़ी भारी पड़ सकती है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रवि प्रसाद तिवारी है। तिवारी जी आप बताइए, आपको भी कोई जिम्मेदारी मिलती होगी? भाजपा के कार्यकर्ता हैं या फिर ब्लॉक के और अधिकारीगण हैं या विधायक जी हैं, जब कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो हमें आवश्यक रूप से याद किया जाता है कि आप समूह की महिलाओं को
यहाँ पे भीड़ के रूप में एकत्रित कर दें, जिससे हमारा ये कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो जाए। पैसा ऐसा देते हैं कि नहीं देते हैं? मैम, उसके लिए कोई पैसा ऐसा नहीं मिलता है। हम लोग अपना जो आजीविका संबंधित जो कार्य दिया गया है उसको कार्य करते हैं, उसके बदले में जो हमें मानदेय के रूप में, मजदूरी के रूप में, बंधुआ मजदूरी के रूप में मिलता है, बस उसके अलावा कोई कुछ मिलता नहीं है। अरे बाप रे, आप इतने लोगों को ले जाते हैं, खाना होगा, पीना होगा, गर्मी है तो पानी की बोतलें होंगी, बसों का किराया देना होगा, वो सब आप अपनी सैलरी से देते हो? बिल्कुल मैम, हम सभी लोग मिल के एक अस्थायी रूप से जितने कर्मचारी हैं अपना कुछ कलेक्शन करके इस तरह के कार्य में मदद करते हैं और उसी से उनको ले जाते हैं, और बहुत सारे खर्चे होते हैं बीच में, उनको नाश्ता पानी कराना है, हाँ। तो हम सभी लोग अपने स्तर से खर्च कर देते हैं, हाँ। बस शासन से ये रहता है कि आपको ये सब मिल जाएगा, तो लेकिन उसके बाद अच्छा चलिए छोड़िए, समझ गए, जब आपकी विज्ञप्ति में झूठ निकला तो जब ये कह रहे हैं कि पैसा दे देंगे तो कहाँ मिलता होगा, बहुत बड़ी बात है। अब ये बताइए कि आप लोग सरकार से क्या कहना चाहते हो? मेरा यही एक अनुरोध है, निवेदन है कि जो विज्ञप्ति देख कर हम लोग आए, जो एचआर पॉलिसी हम लोगों के लिए बनाई गई थी, वो छोड़िए, अब ये बताइए आप क्या मांगे हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारी ये मांगे तो फिलहाल हाँ, है नहीं मैम, हाँ, जो हमारी एचआर पॉलिसी थी बस उसी को हमें दे दें और हम लोग फिर पुनः कार्य पे आ जाएं। जो वादा किए थे वही पूरा कर दें। बस मैम, मेरी कोई नई मांग नहीं है कि हम लोग अस्थायी कर दिए जाएं, हमारी एचआर पॉलिसी लागू कर दी जाए, जो हमारे भत्ते बंद कर दिए गए वो दे दिए जाएं, हमारे मेडिकल और बीमा ये दोनों चीजें लागू कर दी जाए, चूंकि एचआर पॉलिसी क्यों बंद करा दिया? जीत तो रही है भाजपा, कहीं ये तो नहीं सोचे कि ये भीड़ नहीं ला पा रहे हैं, ये लोग सब हरा रहे हैं क्या, बंद करो इनके भत्ते वत्ते। मैम, कोरोना काल में एक वर्ष के लिए मितव्यता स्वरूप एक पत्र जारी हुआ कि आप लोग इसको छोड़ दीजिए, और उसी पत्र का हवाला देते हुए पूर्ण रूप से इसको रोक लगा दिया गया। जो हम लोगों की जो थोड़ा सैलरी थी कि सैलरी में एक भत्ता मिल जाता था, वो भी घट के हमारी सैलरी हो गई। अब 25,000 ये पाते थे और लगभग 8-9,000 रुपए भत्ते के रूप में मिल जाते थे, तो एकदम से बंद हो गया, और 25,000 में TDS कट के मिलता है और बीच बीच में कुछ सैलरी कार्ड भी दी जाती है, एक दिन, दो दिन, चार दिन की। अब वैसे तो 22,500 इन हैंड ब्लॉक मिशन मैनेजर की मिलती है मैम, लेकिन उसमें भी कभी कभार अटेंडेंस को काट देते हैं, बेवजह काट देते हैं, बिना बताए काट देते हैं। जब तक हमारी ये पॉलिसी लागू नहीं हो जाएगी, हम लोग यहीं धरने पे बैठे रहेंगे, जब तक लागू नहीं हो जाएगी तब तक यहीं बैठे रहेंगे। तो भीड़ कौन देगा अब? तो भैया मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मैम, ये अब वो जाने, अपने सरकारी अधिकारी जो भी हैं कर्मचारी उनसे कराएं, लेकिन हम लोग इनमें कोई सहायता हेल्प नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी एचआर पॉलिसी लागू। सरकार को ये समझ जाना चाहिए कि अब मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिस भीड़ की जरूरत पड़ेगी, बसें भर भर करके जहां से आप महिलाओं को बुलाएंगे वो लाने वाले तो यही लोग हैं। बीमे में आज भी हमारा एक साथी, उनकी मृत्यु हो गई, और जो कि आज हमें 8 बजे सूचना मिली कि हमारे जो फतेहपुर में एक बीमे में साथी हैं उनकी मृत्यु हो गई है। तो यही इंश्योरेंस या मेडिक्लेम ना लागू होने पे आज उनका परिवार फिर उनके हाथ में। तो प्राइवेट कंपनियां कर देती हैं। मैं MD मैडम से यही कहना चाहता हाँ। हूं कि हम लोग आज 28 दिन से धरने पे बैठे हैं, और इसके होने के बावजूद वो हमारे DMM को टर्मिनेट कर दिया गया एक लोगों को, ठीक अच्छा। है, वो डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग वापस चले आएं, लेकिन मैं खुले चैलेंज देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जितने कर्मचारी हैं, कर्मचारी संघ की मैं बात कर रहा हूं, कि आप डराने की कोशिश ना करिए। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम रुकने वाले लोग नहीं हैं, हम झुकने वाले लोग नहीं हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, ये कर्मचारी संघ एक दिन छीन लेगा। देखिए, राज्य ग्रामीण करोड़ों महिलाओं को आजीविका मिशन जब बनाया जा रहा था तो ये उम्मीद लगाई गई थी कि ये वो लोग होंगे जो तमाम महिलाओं को, गांव के लोगों को सशक्त करेंगे, उनको आजीविका कैसे मिलेगी उसको लेकर सशक्त करेंगे, तो देश का विकास होगा। लेकिन आज ये लोग जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हाथ में लिए बैठे हैं, वो लोग बेचारे सड़कों पर पड़े हुए हैं, खुले आसमान के नीचे भरी दिसंबर में देखिए जान देने पर आमादा है बेचारे, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही है। ये वाकई शोषण करने वाली बात है। मैं इन लोगों के बीच हूँ, इन लोगों के साथ हूँ, और तब तक इनके साथ बैठी रहूंगी, डटी रहूंगी, अड़ी रहूंगी, जब तक इन लोगों की मांग सरकार सुन नहीं लेती। और एक बिल्कुल सत्य बात यह है कि इनकी जो मांग है वो कोई अलग मांग नहीं है, इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जो वादा करके इनको नौकरी पर रखा गया था वो वादा पूरा किया जाए, यही मांग है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बात और बता दें, ये जो उत्तर प्रदेश है
ये एचआर पॉलिसी देखी जाए तो अन्य प्रदेशों में लागू हो गई, मध्य प्रदेश में लागू हो गई, असम में लागू हो गई, छत्तीसगढ़ में लागू हो गई, राजस्थान में लागू हो गई, तो यूपी में क्यों नहीं? यूपी में यही तो एक सवाल है, यही बहुत बड़ा सवाल है। ये चाहे सरकार सुन ले इस बात को, चाहे हमारा मिशन मुख्यालय सुन ले कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा जो है राज्य है, देखा जाए वोटिंग के मामले में, देखा जाए जनसंख्या के मामले में, देखा जाए हमारे साथ ये शोषण क्यों। कई बार ऐसा होता है कि सही बात सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पाती है। आशा करती हूं कि इन लोगों की बात आपके कानों तक पहुंच गई होगी और इनके इनको नाराज करना आपके लिए कितना भारी हो सकता है, क्योंकि 2024 सर पर है, वो आपको देखना है। 10,000 कर्मचारियों का कार्य, हम लोग 3500 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इतना प्रेशर होने के बाद हमारे बहुत ऐसे लोग ऐसे बीमम डीमम हैं जिनका ब्रेन हेमरेज होने की वजह से मृत्यु हो गई है, और उनके परिवार को कोई सहयोग नहीं मिला, कोई लाभ उनको नहीं मिला, ये स्थिति है, जान लीजिए हम लोग जूझ रहे हैं। और ये भी जान लें कि देखिए, हम कोई ऐसा ब्लॉक मिशन मैनेजर नहीं है जिनके अंदर में 2-4 हज़ार महिलाएँ काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश से हम समूह की महिलाओं को, करोड़ों महिलाओं को कूच करवाएंगे लखनऊ में, जब तक हमारी मांगें अगर पूरी नहीं होंगी तो लास्ट है ये। और मैं आप लोगों के साथ हूँ। धन्यवाद। विद्या दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।